तो यहाँ पे लगी हुई हैं लोकल्स की गाड़ियाँ। एज़ यू नो पहाड़ी इलाकों में घर तक कहाँ ही पहुँचती हैं गाड़ियाँ, यही रीज़न है बंदे यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। फिर बैरोट वैली पहुँचने वाले हैं हम। पता कितने हजार भर है पता पता है नहीं ऐसी किलोमीटर है। अच्छा ठीक है। ओ इतने सीधे चल यार बुल्ले तो बाहो यार। चला था हल्का मेरे पीछे यार। ओ मैं क्या रस्सी लाइनी का बनने नहीं गया चली पौड़ा घर हूँ लीती ही घुमाना क्या छाल मारने मरी गई। ओ क्या करी मरी है। हाँ 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 ठंडा ठंडा एसी लगा हुआ है। ओ माँ गो चुरुला ही गल है अपनी अखियां करें चीजा कने कुमारी तभी भी आदो। ओ ठंड लगा दी इसी का कूलरा लाई लाई ना हुई हो बंदर भी आए तेरे घर नहीं हो आए निकलने वाली होती जगह। ठंडी ठंडी छावियों Hey guys. 2000 years later. तो guys, मैंने यहाँ पे ली ब्रेक, थोड़े स्नैक्स वगैरह खाए और वो सामने आपको दिख रहा होगा अगर विजिबल होगा तो। इस जगह का नाम है जटिंगरी और यहाँ से है 20 किलोमीटर बैरोट। तो वापस इसी रास्ते से जाएंगे, पहले बैरोट वैली। लेट्स गो guys. एचपी जो रास्ती यही पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में बैरोट और ये गई नदौन की जलनो। इससे पहले सुजानपुर की गई, सुजानपुर और नदौन वाले भी यहाँ पे घूमते। बहुत ही ठंडा ठंडा सा मौसम है यहाँ पे। इस टाइम टेम्परेचर है 17-18 डिग्री, वैसे तो बढ़िया ही है, लू वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये नज़ारे चेक करो भाई साहब, और नीचे इतनी बड़ी खाई, नीचे गए तो ख़त्म थी, सब ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस नज़ारे चेक करो, नज़ारे
फुल क्रेजी सीन्स है भाई। और नीचे कितना नीचे है। तो गाइज यहाँ से 14 किलोमीटर वेरोड वैली और राजगुंदा वैली है 37 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे बंदे जा रहे हैं रेंटेड स्कूटी पे और हम अपनी बाइक पे। और नीचे क्या ही है ये, वाह, ठंडे ठंडे पहाड़ों में घूमना चाहिए, कोई साथ में जाए या ना जाए अकेले जाना चाहिए। एज यू नो मैं अकेला ही आया हूँ यहाँ पे। मैंने 3-4 बार कहा बहुत बंदों को कि चलना है, सभी मना कर रहे थे, तो मैं भी 3-4 बार ही सुनता हूँ, ना ना उससे आगे नहीं सुनता मैं। मेरे घर वाले भी मना कर रहे थे कि नहीं जाना है और मैं भाग के आ गया हूँ। तो अब हम एंजॉय करके जाएंगे, घर जाके चाहे फिर बाद में जो भी होना हो देखा जाएगा, पर अभी तो हम मज़े कर रहे हैं। मज़े, मैं हम होता है और हम मैं होता है। और यहाँ पे घर कितनी ऊपर ऊपर है, टॉप पे, अलग ही जिंदगी जी रहे हैं भाई मंडी वाले। और ये देखो चाचा चौधरी कहाँ पे ओवरटेक किए जा रहे हैं। वाइब है गाइस, वाइब है कि भाई ये देखो हमीरपुर की वैलेनो, ये एचपी वाइब भी मिल गई। ये देखो सफ़ेद भैंसे बर्फ से ये दिखी तो मुझे ईसू याद आई। भाई क्या मज़ा आ रहा है, ना धूप है ना ठंड है ना छाँव है, मौसम भी क्लियर है। है एक लाइव है यहाँ पे, पार्टी हो रही है टैन टैन टैन। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे पंजाब की गाड़ियाँ दिख रही हैं, सबसे ज़्यादा। हिमाचल वालों के पास टाइम नहीं है घूमने का और पंजाब वाले छोड़ते नहीं हैं। तो है भाई, ओ कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है, ब्लू नहीं होता, पहाड़ा तो होता है साफ होता, ब्लू वगैरह कुछ नहीं है, इतनी क्लियर पानी होता, ब्लू पानी होता ही नहीं। ओ भाई क्या बढ़िया है, नहाने का मजा आ जाता होगा यहाँ पे। क्या पानी है, दिखा नहीं कभी पानी, कलर तो मेरी पानी है भाई, बोल साफ है, ये बोल साफ है। जाना जाना है ना, चल कर रहे हैं हम मंडी में ऑफ रोडिंग, आ जा धीरे धीरे। गाइस मंडी में ऑफरोडिंग, यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा मैं बाइक लेकर। सस्ते नशे, इन्हें जाना है पानी देखने, कहा बहुत ही क्लियर पानी है, ऐसा पानी कभी मैंने देखा ही नहीं जिंदगी में। यहाँ से यार 12 किलोमीटर की कितना किलोमीटर पता नहीं, हाँ 12 ही। और क्या ही ऊँचे ऊँचे पहाड़, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ तक ऐसी रहेगी, चढ़ाई वगैरह कुछ नहीं है, आगे होगी राजगुंदा वैली में चढ़ाई। ओ भाई कितने ऊपर घर है वहाँ पे।